हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन मैं कराने वाली हूँ बॉब हेयर कट। तो 3 बजे का अपॉइंटमेंट मैंने लेके रखा था और अभी 5 बज रहे हैं, तो बस हम लोग चाय पीने के बाद निकलने वाले हैं और मैं हेयर वॉश भी वहीं पे करा लूँगी। सुबह से बालों पे ऑयलिंग करके रखा हुआ है क्योंकि मेरी हाथों की कंडीशन कुछ इस तरह की ही है, तो पानी थोड़ा सा भी अगर टच कर रही हूँ तो मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं हेयर वॉश और हेयर कट दोनों कराऊँगी, तो चलो चलते हैं। गई हूँ डेनिक सैलून में, जो कि लोकेटेड है छेंट कॉलोनी राउरकेला में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, किस तरह से यहाँ पे हेयर वॉश किया गया, देन मेरा हेयर कट किस तरह से हुआ, पूरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कहीं आसपास रहते हो तो आपको डेनिक्स में जाना चाहिए या फिर नहीं, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा हेयर वॉश हो रहा था क्योंकि सुबह ही मैंने बालों को ऑयलिंग किया था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से 2 बार मेरे बालों पर शैम्पू अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छे से, बहुत हल्के हाथों से और जेंटली मेरे बालों को वॉश किया गया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था मुझे हेयर वॉश करवाते हुए। बट मैं कम्फर्टेबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुझे सूट भी करना था एंड हेयर वॉश भी आपके साथ शेयर करना था अच्छी तरह से। जो भी एक्सेस ऑयल थे मेरे बालों पे शैम्पू के हेल्प से, वो सब अच्छे से क्लीन हो गया था। एंड देन बालों को वॉश करने के बाद उन्होंने अप्लाई किया कंडीशनर। जो भी शैम्पू एंड कंडीशनर और बाकी सारे प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए मेरे बालों पे, मुझे उनका नाम बिल्कुल नहीं पता, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा क्योंकि मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी और सिल्की मुझे फील हो रहे थे। सैलून की अगर अंदर की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत ही कोजी फील हो रहा था, एक अच्छा सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया था और साथ ही साथ में सूदिंग म्यूज़िक वहाँ पे चल रहे थे। बालों को वॉश करने के बाद एक टॉवल की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा वाटर थे उन्हें रिमूव कर दिया गया और अब मैं रेडी थी अपना हेयर कट लेने के लिए। बालों में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के बाद वो मेरे बालों को कॉम कर रहे थे ताकि जो भी थोड़ा बहुत सा टैंगल हो वो रिमूव हो जाए। एंड इसी के साथ उन्होंने एक क्रीम जैसा कुछ अप्लाई किया मेरे बालों पे, वो क्या था मुझे नहीं पता, बट उसको अप्लाई करने के बाद मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ मुझे फील हो रहे थे। जितने भी स्टाफ से मैं वहाँ पे मिली, सबका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रोफेशनली बिहेवियर था उनका। एंड जब उन्हें पता चला कि मैं यूट्यूब के लिए शूट कर रही हूँ तो उन्होंने अपना एक स्टाफ भी बुलाया मेरी हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से शूट करके दिया। और मतलब जब मेरे हेयर कट हो रहा था ऑब्वियसली मैं फ्रंट कैमरा से कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, तो बहुत अच्छे से बैक कैमरा से उन्होंने मुझे शूट करके दिया। एंड जो मेरे हेयर कट कर रहे थे उनका बिहेवियर भी बहुत ही जॉली था, वो बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करते करते हेयर कट कर रहे थे। एंड जब उन्होंने पहला हेयर कट मेरा किया तो कैमरा मैन भी दिखाया कि देखो आपका इतना लेंथ मैंने कट कर दिया है। एंड मुझे करवाना था बॉब कट, तो मैंने फिर उनको कहा कि मुझे बॉब कट करवाना है बट मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए मेरे बाल क्योंकि मैं ज़्यादा शॉर्ट हेयर में कंफर्टेबल नहीं फील कर पाऊँगी, तो मुझे एक ऐसा हेयर कट चाहिए जिसमें मेरे बाल ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और मुझे जो लुक मिलेगा वो बॉब कट का मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉपर बॉब कट करवाना है तो आपका जो बैक हेयर का लेंथ है वो रहेगा आपके नेक तक और फ्रंट हेयर का जो लेंथ रहेगा वो रहेगा आपके शोल्डर तक, जिसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती। तो फिर मैंने पूरा उनके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसा कट करना है, जैसा मेरे ऊपर सही लगे वैसा करो, बट मुझे जो बॉब कट का जो लुक है वही मेरे ऊपर चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे बालों को कट करना शुरू किया एंड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कैसा कट करने वाले हैं, क्या आउटकम आएगा मुझे, मतलब मेरे ऊपर क्या लगेगा, कैसा लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था इस बारे में। तो मैंने पूरा उनके ऊपर छोड़ दिया एंड उन्होंने मेरे बालों को कट करना शुरू किया, मैं भी बस देख ही जा रही थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो चलो आप भी मेरे साथ देखते रहो।
मेरी हेयर कट बस होने ही वाला था एंड मुझे अभी से मेरे बाल बहुत अच्छे लगने लगे थे। मेरा जो हेयर का लेंथ है वो फ्रंट से थोड़े ज़्यादा लेंथी थे और बैक से थोड़े से शॉर्ट थे, जैसे कि बॉब कट में होता है। जिन्होंने मेरा हेयर कट किया उन्होंने मेरी नीड को समझा, मेरी डिमांड को समझा और मैं जैसा लुक चाहती थी बिल्कुल मुझे वैसा लुक मिला है। एंड मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 अच्छा लुक मुझे मिला है। अभी ये फाइनल लुक नहीं है, फाइनल लुक देखने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। हेयर कट के बाद मेरे बालों पे ब्लो ड्राई कर रहे थे ताकि बाल अच्छे से सूख जाए। एंड बाहर ईशान और कियान अपनी डैडी को बहुत परेशान कर रहे थे और इस डोर से बार बार अंदर देख रहे थे कि मम्मा को और कितना टाइम लगने वाला है। हेयर कट मेरा हो गया था और यहाँ पे बालों में ब्लो ड्राई हो रहा था, देन वो मेरे बालों को स्टाइल करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से स्टाइल करते हैं। एक तो मुझे ये हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड देन उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट कर दिया, जो कि चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था एंड स्ट्रेट करने के बाद मतलब मेरा जो लुक आया ना वो एकदम से चेंज हो गया। मतलब पहले बहुत ही लॉन्ग हेयर थे, बहुत अच्छे हेयर थे, बट हेयर की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ से लगने लगे थे। बट ये हेयर कट लेने के बाद जो भी मेरे स्प्लिट एंड्स थे, जो भी ड्राई हेयर्स थे लेंथ में, वो सारा बिल्कुल रिमूव हो गया एंड जो हेल्दी हेयर है सिर्फ वही है। एंड देन उसके ऊपर ये स्ट्रेटनिंग, ओ माई गॉड मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये स्ट्रेट वाला लुक। तो मैं सोच रही थी कि हाँ अपने बालों पे मैं स्मूथनिंग करवा सकती हूँ, तो चलो अगर करवाते हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बालों को स्ट्रेट करने के बाद उन्होंने मेरे बालों पे सीरम अप्लाई किया एंड मेरे बालों को स्टाइल कर दिया। एंड और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि अरे हमने तो बॉब हेयर कट शॉर्ट में बोला था, आपने तो लॉन्ग बॉब हेयर कट किया, तो मैं बता दूँ कि मैंने बहुत पहले से ही इस चीज़ को क्लियर रखा है कि मैं कभी भी शॉर्ट बॉब हेयर कट नहीं करवाऊँगी। अगर मैं कभी करवाती हूँ तो मैं लॉन्ग बॉब हेयर कट ही करवाऊँगी। एंड अगर मैं सैलून के बारे में बात करूँ तो अगर आप कहीं आसपास रहते हो तो डेफ़िनेटली मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पर जा सकते हो। मतलब यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टाफ बिहेव करते हैं एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मेरी हेयर कट की मैं बात करूँ तो 10/10 मुझे मेरा हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू रख सकती हूँ। मेरे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे बालों को सेट करने के बाद, कुछ इस तरह का लुक आया है। आप डेफिनेटली कॉमेंट करना आपको मेरा लॉन्ग हेयर टू शॉर्ट हेयर का जर्नी कैसा लगा और ये पूरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपके साथ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।